जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन संत मरकुस के सुसमाचार के पहला अध्याय पद संख्या 12 और 13 इस वचन को पढ़ें और इसके ऊपर मनन चिंतन करें। आइए हम प्रार्थना करें कि वचन के साथ जो समय बिताते हैं हमारे आत्मिक जीवन में लाभदायक हो और सही तरीके से अपने जीवन के हर एक दिन बिताने के लिए हमें मदद और आशीष प्रदान करें। आमीन। संत मरकुस के सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12वां और 13वां वचन। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। हम इस दो वचन में अलग अलग बातों के बारे में सुनते हैं। यीशु को एक निर्जन प्रदेश में ले गए। किसके बाद में है? बपतिस्मा के बाद में। तो बपतिस्मा में यह बताया गया, मरकुस के उसको समाचार के पहला अध्याय के 11वां वचन में हम पढ़ते हैं कि जैसे यीशु पानी से बाहर आ गए उस समय स्वर्ग से आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा। स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दिया, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह बपतिस्मा के अनुभव के बाद में अगले बात जो है निर्जन प्रदेश में एक समय के बारे में है। तो क्यों ऐसा रखा गया है? क्या परीक्षा बपतिस्मा के पहले नहीं होना था? बपतिस्मा के बाद में क्यों परीक्षा हुई? कई बार हमारे जीवन में भी यह सवाल हो सकते हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं विश्वास को स्वीकार करने के बाद, संस्कार स्वीकार करने के बाद में परीक्षाएं क्यों होती हैं? इसके बारे में हम लोग आज कुछ समय के लिए सोचेंगे। देखिए, यीशु को आत्मा कहाँ लेकर गई? निर्जन प्रदेश में। तो निर्जन प्रदेश का ये मतलब हम समझ सकते हैं, उधर ऐसा कुछ नहीं है जो अपने मन को ललकाए, जिसके कारण हम लोग अपनी श्रद्धा में भटक सकते हैं। निर्जन प्रदेश में इंसान का यह भी आवश्यकता होती है कि अपने आप को किसी तरीके से उपजीवन करके रखे। उधर में यीशु के साथ कौन थे? शैतान थे, परीक्षा लेने के लिए। तो हमें पता है एक किस्म का मुकाबला चल रहा है, यीशु हैं, शैतान है। तो शैतान दुश्मन बनकर आए हैं। पर एक और बात बताए गए हैं, वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। सो वाइल्ड बीस, बनेले पशु एक पास है, और दूसरे तरफ बोलते हैं कि स्वर्गदूत थे। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा समय मनन चिंतन करना चाहता हूँ। बनेले पशु जो हैं सृष्टिकर्ता के पास सब कुछ अच्छे हैं, पर इसका एक और मतलब निकल सकते हैं जो हैं हिंसाकारी इच्छाएं। जब हम स्तोत्र के ग्रंथ 74 अध्याय पद संख्या 19 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, अपने भक्तों के प्राण जंगली पशुओं के हवाले मत कर, अपने दरिद्रों का जीवन कभी ना भूला। तो जंगली पशुओं के सामने किसी को रखना, जीवन को खतरे में रखना। पर जंगली पशु जो हैं इसका एक और मतलब निकलते हैं कि ऐसे पशु हैं जो अपने वासना के अनुसार चलते हैं, वो आदेश के अनुसार नहीं चलते, अपने अंदर जो वासना है उसके अनुसार चलते हैं। तो हम ये दो बातों को, स्वर्गदूत एक तरफ हैं और जंगली जानवर जो हैं एक दूसरे तरफ हैं, इसको हम लोग इंसान के अंदर में जो दो स्वभाव हैं उस रीति में भी देख सकते हैं।
इंसान के अंदर एक ऐसी रीति है जहाँ पर स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक रीति में अलग अलग किस्म की वासनाएं इच्छाएं होती हैं, पर उसी इंसान के अंदर एक आवाज़ भी होते हैं जो इंसान को कई बातों को करने के लिए मना करते हैं, कई बातों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आज हम इस आधार पर, इस वचन के ऊपर विचार करेंगे। हम कुछ समय के लिए ऐसे सोचें, ये वन के प्राणी जो हैं सिर्फ अपने जीवन को संभालने के बारे में सोचने वाले हैं, पर स्वर्गदूत और आत्मा जो हैं हमारे जीवन के महत्व के बारे में हमें समझाने वाले हैं। तो यीशु के पास ये दोनों हैं, मनुष्य स्वभाव, मनुष्य के तरीके से सोचना, और स्वर्ग के दूत जो हैं हमारे आत्मिक जीवन की सच्चाई के बारे में हमें याद कराते हैं। इसको शायद समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बोलूं। कुछ दिन पहले मैं किसी का एक जीवन साक्ष्य सुना था। वो एक टीचर ने अपने साक्ष्य दे रही थी। उस टीचर के साक्ष्य इस प्रकार के थे कि उसके रीढ़ के हड्डी में कुछ दर्द होने के कारण बहुत दुख सहती थी, और जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको बोला है तुम प्रार्थना में जाओ, वो भी प्रार्थना में गई, प्रार्थना करती रही, पूरे ध्यान से सारे रिट्रीट में भाग लिया, बड़े ध्यान से वचन सुने, वचन लिखते भी रहे, प्रार्थना करते रहे। पर यह सब करने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे लोग ठीक होकर चले गए, पर इस टीचर को स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ। कुछ दुखी होकर उधर से चले गए, मन में सोचते रहे मेरे से क्या गलती हो गया होगा, मुझ में क्या कमी हो गया होगा। हो सकता हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होते हैं, हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, सारे दिल से प्रार्थना करते हैं, पर हमारी इच्छाएं या हमारी जो मांगे हैं प्रभु कई बार उसको स्वीकार नहीं करते, हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं होते। इस टीचर ने भी ऐसे ही सोचकर अपने घर को चले गए, पर भी जो रिट्रीट थे उसके कुछ विषय उनके मन में बीच बीच में आते रहे, कुछ वचन वो याद करते रहे। तो एक दिन वो अपने काम जा रही थी, बस अड्डे में जाकर एक बस में चढ़ गई। बस में काफ़ी लोग थे पर भी उसके लिए एक सीट मिल गई, बहुत खुश होकर बैठ गई। कुछ देर में पूरे बस भर गई तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत उस बस में चढ़कर आई। वो इससे भी ज़्यादा उम्र की थी और सभी की ओर देख रही थी बैठने के लिए जगह मिलेगा कि नहीं। वो आगे से ऐसे सभी को देखते देखते पीछे आ रही थी, तो सारे के सारे लोग हमें पता है बाहर की ओर देख के बैठ गए। तो जैसे ही टीचर ने देखा कि ये औरत, ये बुढ़ी सी बीबी जो है उसके पास में आ रहे हैं, ये भी बाहर को देखे बैठ गई कि उसको आंखों में आंख ना मिली। पर उस समय उसके मन में एक आवाज़ आई, आवाज़ ने ये बोला उठो और इसको तो अपने जगह दे दो। पर उसी समय उसके मन में दूसरा आवाज़ आए, मैं तो बीमार हूँ, मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत दर्द है, एक घंटे का सफ़र है, और कोई सीट देगा तो सही, मैं नहीं देना, मैं बैठे रहूँगा। तो जैसे वो बुढ़ी औरत इनके पास आते रहे उसके मन में ये दोनों आवाज़ आते रहे, एक पास प्रेरणा थी कि उठो और उसको जगह दे दो, दूसरे पास एक आवाज़ थी बैठे रहो, तू बीमार है, सफ़र लंबा है, तुम्हारे लिए दर्द हैं। इतने में वो बुढ़ी औरत उसके पास में आ गई। इसने और भी बाहर को देखते रही, पर जैसे ही उसने अपने आँखें पलटा के उसके तरफ देखे, वो बुढ़ी औरत ने मुस्कुराई इसको देखकर। वो मुस्कुराहट ना देखने के लिए इसने अपने आँख को बंद किया। जैसे आँख को बंद किया
उसको माता मरियम दिखाई दिया। और यीशु के एक वचन जो उसने रिट्रीट में सुना था, उस वचन भी उसके कान में गूंजने लगे। वचन इस प्रकार थी, मत्ती के सुसमाचार के 7:12 वचन थे, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। तो माता मरियम के भी ऐसा आवाज सुनाई दिया, जैसे यीशु बोलता वैसे किया करो। यह औरत को एकदम दुख भी लगी, सोची अगर माता मरियम होता तो मैं जरूर उठ के जगा देती। एकदम उठ गई, उस बीबी को उधर बिठा दी, खड़े होकर अपने सफर को पूरा किया। तो जैसे वो अपने लक्ष्य में पहुंच गई, दूसरा और कोई बस को पकड़ने के लिए खड़ी थी उस समय, उसने गाड़ी में वही फादर को देखा जो उस तरफ से आ रहे थे, जिसके रिट्रीट ने अटेंड किया था। तो फादर भी सिग्नल के लिए उधर रुके हुए थे। इस औरत ने पास में जाके फादर को बोला, फादर जी मैंने अभी अभी आपको याद किया था। तो फादर जी ने पूछा क्या बात होगी। तो बात बताने से पहले उस औरत ने आगे पीछे ऊपर हुआ नीचे हुआ ऐसे करने लगी। तो फादर को कुछ अजीब जैसे लगा कि रास्ते में एक औरत खड़ी है, मेरा कार रुकी हुई है, इस औरत ऊपर नीचे होती है, इधर उधर घूम के देखती है। तो फादर जैसे आगे जाने के लिए सोच रहा था, उस औरत ने बोला फादर जी मैं ठीक हो गई। फिर उस औरत ने अपने जीवन के साक्ष्य दिए। जीवन के साक्ष्य यही था, अगर प्रभु ने मुझे रिट्रीट सेंटर में ठीक किया होता तो शायद मैं दूसरों के सामने प्रभु के लिए गवाही नहीं दे सकते थे। बस मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस में उठकर मेरे जगह उस औरत को दे दिया। किसी ने जरूर देखा होगा कि मैंने एक त्याग किया है। तो मैंने प्रभु के वचन जो हैं, प्रभु का वचन बोलते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। जब मैंने इस वचन को मेरे जीवन में स्वीकार किया, प्रभु ने मेरे द्वारा उसको आशीष दिया और मुझे भी आशीष दिया। तो मैं उदाहरण आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे अंदर में अलग अलग किस्म के आवाज़ें सुनते रहते हैं। सबसे पहले जरूर जैसे जंगली जानवर की आवाज़ें, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, वो हमारे सामने आएंगी। पर उसके साथ साथ ही विश्वासी होने के कारण हमारे अंदर जरूर आत्मा की आवाज़ भी आएंगी। एक तरीके से हमारे अंदर में एक लड़ाई चलते हैं, एक मुकाबला होते हैं। निर्जन प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पर किसका वास होगा हमें फैसला लेना है। तो हम में से हर एक का हृदय जो है एक निर्जन प्रदेश हो सकते हैं, और हमारे हृदय में ऐसे अलग अलग शक्तियों का मुकाबला हो सकते हैं। इसमें हम लोग कैसे फैसला करेंगे? रोमियों के नाम पत्र हम पढ़ेंगे, रोमियों के नाम पत्र के उसके 6:14 पढ़ेंगे। रोमियों के नाम पत्र उसका 6:14, उसमें इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे जीवन के दो हिस्सा के बारे में बताते हैं। रोमियों के नाम 6:12 से हम पढ़ेंगे। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों में अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पर हमारे सामने ये हमेशा एक चुनौती बनकर आ सकते हैं। हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे बोल में, हमारे हर कार्य में पाप हमारे ऊपर राज कर सकता है,
हमारे शरीर का हर अंग पाप का कारण बन सकते हैं, पर उसी समय प्रभु के संतान होने के कारण आत्मा की प्रेरणा और आत्मा के जीवन हमारे अंदर हैं, जो हमें ऐसे पाप की वासना से, पाप की हालत से बचाते हैं। हमें पता हमारे दिनों में कैसे लोग अलग अलग तरीके से पाप करते हैं। कुछ दिनों पहले शायद आपने ये खबर सुना होगा कि स्कूल के एक बच्चे ने अपने ही स्कूल के मुख्य अध्यापिका को उसका हत्या कर दिया था। उस बच्चे ने अपने मन को गुस्सा से भर दिया, उस गुस्सा ने उससे पाप कराए। तो जो वासना, पाप की वासना जो है, जब हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारे अंदर में पाप को जन्म देते हैं। इसके बारे में संत यकूब हमें ये लिखते हैं, संत यकूब के पत्र के पहला अध्याय के 15वां वचन इस प्रकार है। संत यकूब का पत्र पहला अध्याय 15वां वचन से है, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। तो हम लोग कैसे पाप करते हैं? जो प्रलोभन में पड़ता है वो अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। तो पाप का कारण अपनी वासना है। तो यीशु निर्जन प्रदेश में वनजीवी के साथ और स्वर्गदूतों के साथ समय बिताया। तो हम इसको ऐसे देख सकते, हमारे जीवन में भी यह सच्चाई है। हमारे जीवन में भी कुछ समय हमारे वासनाएं हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे आत्मा हैं, स्वर्गदूत हैं, इच्छित अच्छी प्रेरणा है। संत यकूब हमें समझाता है कि अगर हम लोग अपने वासनाओं के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो वासना जो है उसके द्वारा हम खींचे जा सकेंगे। तो जिस बच्चे ने अपने जीवन में एक अध्यापिका का हत्या किया, वो भी एक वासना से खींचे गए हैं। हम ऐसे बहुत सारी बातें सुनते हैं जहाँ पर लोग अपने वासना के अधीन होकर पाप करते हैं। तो रोजियों के इस समय में हम विशेष रीति में यह कृपा मांगना है प्रभु से कि हम अपने वासनाओं के ऊपर जीत पा सकें और जो सच्चाई है उसको कर सकें, जो सही है, जो प्रभु के सामने अच्छा है, उसको अपना सके। इसके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे? अपने आप को इसके लिए परित्याग से, कुर्बानियों से तैयार करना होते हैं। हमें पता है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग जिम्नेशियम में जाते हैं, जिम्नेशियम में जाकर एक एक एक्सरसाइज करने के द्वारा वो अपने शरीर के अलग अलग पेशी को, मसल को और शक्तिशाली बनाते हैं और लगातार ऐसे कार्य करने से उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके हर एक पेशी में शक्ति है, उसके प्रकटाव होते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में हमारे वासनाओं के ऊपर एक एक कर संयम से, आत्म संयम के साथ जीतना पड़ेगा और वो हमारे लिए स्वभाव बन जाएगा और वो स्वभाव हमारे जीवन को निर्णय करेगा। तो जैसे मैंने आपको उस टीचर के बारे में बताया, जैसे उस टीचर ने अपने स्वार्थ के ऊपर विजयी हो गई वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, ऐसे ही हम भी एक एक दिन वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे वासनाओं के ऊपर विजयी पाना है और प्रभु की इच्छा, प्रभु की आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार चलना है। तो हमारे 40 के ये दिन जो हैं हमें जीवन में पवित्रता में आगे लेकर जाएंगे। 40 के इन दिनों में हमने एक और पाठ सुना था, हम सुनते हैं विधवी रंग ग्रंथ से एक पाठ है, विधवी रंग ग्रंथ का 30वां अध्याय के 15वां वचन ऐसा है। विधवी रंग ग्रंथ 30 अध्याय वचन 15, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे,
यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो अगर हम प्रभु की आवाज़ को स्वीकार करें, उसके अनुसार चलें, तो हम आशीर्वाद पाएंगे। और वचन में बोलते हैं आगे वाले पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी भी आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। तो हमें एक निर्णय लेना है, हम क्या चुनेंगे, जीवन चुनेंगे, मृत्यु चुनेंगे। बाइबल हमें ये बात के बारे में स्पष्ट बताते हैं, जीवन जो है विश्वास करने वालों के लिए है। जो विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पर और उसके अनुसार चलते हैं वो जीवन पाते हैं, और जो अपने जीवन को बचाना चाहते हैं संसारिक तौर पर वो उसको खो लेते हैं। तो यीशु जैसे निर्जन प्रदेश में समय बिताते हैं, एक बात में दृढ़ होकर आते हैं, वो आत्मा के साथ, उसके आत्मा के चलने में दृढ़ होकर आते हैं, इसीलिए शैतान को हरा कर वो जीवन में प्रवेश करते हैं और आगे जाकर प्रभु ने जो कार्य उसको सौंपा है उसको संपूर्ण करने में लग जाते हैं। आइए हम भी प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु की आत्मा की शक्ति से भरपूर हो जाएं, कि हम पाप की वासनाओं से अपने आप को बचा के रखें, प्रभु की शक्ति से भरपूर होकर प्रभु ने जो कार्य हमें सौंपा है उसको परिपूर्ण करने के लिए हम प्रभु से अपने आप के लिए शक्ति स्वीकार करें। विशेष रीति में वचन हमारे मन में रहे, वचन हमारे दिलों में गूंजे और वचन की शक्ति से हम हर एक निर्णय करें। और जब हम ऐसा निर्णय करेंगे जरूर हमारे जीवन प्रभु के लिए एक साक्षी बन जाएगा और हमारे जीवन में लोग प्रभु की महिमा देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में रहते समय उसके साथ वनजीवी थे, स्वर्गदूत थे, और यीशु उस समय के दौरान प्रभु के कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार किया, वैसे ही हम भी इस संसार में रहते हुए जब भी हम बुराई और भलाई के बीच में से गुजरते हैं हम प्रभु की आवाज़ को स्वीकार करते रहें और प्रभु के कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसके लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन। जी यीशु।